भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ द बुद्ध एंड इज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये बुद्ध और उनका धम्म के सप्तम कांड का तीसरा भाग है। हमने पिछली कड़ी में देखा कि तथागत का अभी अभी महापरिनिर्वाण हुआ है, परिनिर्वाण को वे प्राप्त हो गए हैं। और परिनिर्वाण को प्राप्त होने के बाद अब आगे की प्रक्रिया से जुड़ते हैं बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के द्वारा। बाबा साहेब शीर्षक लिखते हैं, मल्लों का विलाप एक भिक्षु की प्रसन्नता। ये शीर्षक है। आगे बढ़ते हैं बाबा साहेब इसमें और लिखते हैं कि तथागत के आदेशानुसार आनंद ने जाकर मल्लों को सूचित कर दिया। तथागत ने परिनिर्वाण से पहले ही कहा था कि भाई मल्लों को इस बात की खबर होनी चाहिए कि तथागत ने उन्हीं के यहाँ कुशीनगर के कुशीनारा के इस उपवन में परिनिर्वाण को प्राप्त किया है, तो उन्हें इसकी खबर होनी चाहिए। तो आनंद ने जाकर उनको सूचित कर दिया। जब मल्लों ने यह सुना तो उन्हें दुख हुआ। उनकी स्त्रियाँ भी दुखी हुई, उनके तरुण दुखी हुए, उनकी कुमारियाँ दुखी हुई, सभी के चित्त को बड़ा आघात पहुँचा। तथागत के प्रति लोगों के मन में बड़ा प्रेम था और तथागत ने जब देह त्याग कर दिए तो इन सबको बड़ा दुख हुआ। कुछ अपने बाल बिखेर कर रोने लगे, लोगों ने अपने बाल छोड़ दिए, बाल बिखेर कर रोने लगे। कुछ हाथों से छाती पीट पीट कर रोने लगी और कुछ जमीन पर लौटने लगे। आज भी ये दृश्य देखते हैं हम लोग, जिन किसी के आप्तजन उनके घरों से जब उनसे विदा हो जाते हैं, उनसे जुदा हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वे इस तरह के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। छाती पीट पीट कर रोते हैं लोग, बाल बिखर जाते हैं उनके, कुछ जमीन पर लेटने लगते हैं, लौटने लगते हैं। तब अपने कुमार कुमारियों सहित मल्ल अपने उपवन में वहां गए जहां शाल वृक्ष थे, ताकि तथागत के अंतिम दर्शन कर सके। मल्लों को जब ये खबर मिली तो गाँव के सारे लोग ये वहां पहुंचे उपवन में, और वहां जाकर उन्होंने तथागत के अंतिम दर्शन किए। तब आनंद स्थवीर ने सोचा, यदि कुशीनारा के मल्ल एक एक करके तथागत के मृत शरीर की वंदना करेंगे तो बड़ा विलंब होगा। आनंद ने सोचा कि भाई ये तो एक एक करके जब आएंगे और दर्शन करेंगे तो ये बड़ा विलंब होगा, इसलिए उसने एक एक मंडली से, एक एक परिवार से एक साथ वंदना करने की व्यवस्था की और प्रत्येक परिवार एक एक साथ तथागत के चरणों की वंदना कर विदा होने लगा। उनको उस वक्त की जो व्यवस्था ठीक लगी तो उन्होंने ग्रुप्स को इकट्ठा किया और ग्रुप्स ने वंदना किया। उस समय बहुत से भिक्षुओं के साथ महास्थवीर महाकाश्यप पावा से कुशीनगर की ओर बढ़े चले आ रहे थे। महाकाश्यप आ रहे थे पावा से कुशीनगर की ओर, और उसी समय एक नग्न परिव्राजक पावा की ओर चला जा रहा था। वे भी पावा की ओर आ रहे थे, वो भी पावा की ओर चला जा रहा था। महास्थवीर महाकाश्यप ने नग्न परिव्राजक को दूर से आते देखा, पास आने पर पूछा, आप निश्चय से हमारे शास्त्र से परिचित होंगे। महाकाश्यप ने उस परिव्राजक से पूछा कि भाई आप निश्चय से हमारे शास्त्र से परिचित होंगे। हमारे शास्त्र का मतलब हुआ तथागत बुद्ध। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ निश्चित रूप से, आज श्रमण गौतम का परिनिर्वाण हुए सातवां दिन है। महाकाश्यप को इस परिव्राजक से पता चला कि आज सातवां दिन है, तथागत ने देह त्याग दिया है और वे परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। इससे एक बात तो समझ में आती है कि सात दिन तक वो जो पार्थिव था उस पार्थिव पर अंत संस्कार नहीं हुए थे। सात दिन तक कुशीनारा के उस उपवन में वो
देह वैसे ही रखी हुई थी। ये समाचार सुनते ही भिक्षुगण दुखाभिभूत हो गए और रोने लगे। उस समय एक वृद्ध प्रव्रज सुभद्र नाम का एक भिक्षु भी वहां था। वो कहने लगा, मत रो, मत विलाप करो, हम अब श्रमण गौतम से मुक्त हो गए। उसने कहा, क्यों रोते हो, मत रो, अब हम श्रमण गौतम से मुक्त हो गए। हमें उसके इस कहने से बड़ी हैरानी होती थी कि ये तुम कर सकते हो, ये तुम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, बस अब इस बात की तो झंझट ही नहीं रही कि तथागत ये कहें कि भाई तुम ये करो, तुम वो ना करो, तुम वो कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। मतलब तथागत जो सूचनाएं देते थे उन सूचनाओं से अब मुक्ति हो गई। ये थोड़ा सा उपरोधिक भी लगता है। फिर भी आगे कहते हैं, अब हम जो चाहे करेंगे और जो नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे, क्या ये अच्छा नहीं है कि वो चल बसा है। भाई अब तो ये झंझट ही नहीं रही, अब तो वे चल दिए हैं, रोना किस लिए, विलाप किस लिए, ये तो खुशी की बात है। वे कहते हैं कि अब रोना किस लिए, ये तो खुशी की बात है। तथागत अपने भिक्षुओं को इतनी कठोरता पूर्वक नियमों के बंधन में बांधने वाले थे। तथागत के विनयों की जो कड़ाई है, उसकी जो कठोरता है, उससे उसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि भिक्षुओं के लिए अब तो ये एक खुली छूट भी हो गई। अब भिक्षुओं को स्वयं सोचना है, लेकिन भिक्षुओं के लिए ये बड़ी मूल शिक्षा भी है कि रोना किस लिए। ये तो बात तय है कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी, जन्म को प्राप्त हुआ तो मृत्यु को भी प्राप्त होगा, लेकिन तथागत ने तो परिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया। उन्होंने तो निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर लिया था, वे सम्यक संबुद्ध थे। और ऐसी स्थिति में एक सम्यक संबुद्ध के साथ इतना वक्त जिन्होंने गुजारा, तो वे इतने कठोर भी थे। तो वे कहते हैं कि भाई आप रोना किस लिए, रोने की क्या जरूरत है। और फिर वहां से तथागत ने अपने इन सारे शिष्यों को जो शिक्षा दी, उस बात पर बाबा साहेब ने इस अध्याय को खत्म किए। अगला अध्याय छोटा सा लिखते हैं, अंतिम संस्कार उसका शीर्षक है। बाबा साहेब लिखते हैं, तब कुशीनारा के मल्लों ने आनंद सवीर से पूछा, अब तथागत के शरीर के प्रति क्या करनी है। आनंद से पूछते हैं मल्ल कि अब क्या करना होगा, क्योंकि तथागत ने देह त्याग कर दिया है, अब जो देह है पार्थिव, अब इसका क्या करें। तो आनंद सवीर का उत्तर था, जैसे लोग राजाओं के राजा महाराजाओं की दाह क्रिया करते हैं। आनंद कहते हैं, राजाओं के राजा महाराजा की जैसे दाह क्रिया करते हैं, वैसे ही तथागत की दाह क्रिया होगी। मतलब तथागत के इस पार्थिव पर जो अंत संस्कार होगा वो ऐसा होगा। और राजाओं के राजा के मृत शरीर के प्रति क्या क्या करनीय होता है, तो आनंद स्थवीर ने उत्तर दिया, महाराजाओं की देह को एक नए कपड़े से लपेटा जाता है, तो तथागत के भी देह को नए कपड़े से लपेटना चाहिए। फिर रुई ऊन से लपेटा जाता है, उस पर रुई और ऊन। फिर दूसरे नए कपड़े से उसके ऊपर से लपेटा जाता है, और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक वह एक के बाद एक दूसरे क्रम से 500 बार नहीं लपेट लेते। रुई कपास रुई और ऊन, नया कपड़ा, और ऐसे उन्हें 500 बार लपेटा जाए, तब वे शरीर को एक लोहे की तेल भरी बड़ी कढ़ाई में रख देते हैं। बड़ी जो कढ़ाई होती है लोहे की, तेल भरी, उसके बाद उसे एक वैसे ही दूसरे लोहे के ढक्कन से ढांक देते हैं। तब वे अनेक सामग्रियों से चीता का निर्माण करते हैं। ये वो तरीका है जिस प्रकार लोग किसी महाराजा का अंतिम संस्कार करते हैं। तो तथागत के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आनंद ने मल्लों को बताई। तो मल्लों ने कहा, भंते आनंद, ऐसा ही होगा। मल्लों ने कहा, आज तथागत के शरीर की दाह क्रिया करने के लिए बहुत विलंब हो गया है, हम इसे कल करें, क्योंकि ये शाम का वक्त रहा होगा, देर हो चुकी होगी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये काम अब कल किया जाएगा।
तब कुशीनारा के मल्लों ने अपने आदमियों को आज्ञा दी, तथागत की अंत्येष्टि की तैयारी करो, सुगंधियों, फूलों और कुशीनगर के बाजे बजाने वालों को संग्रह करो। कुशीनगर में जितने बाजा बजाने वाले जो लोग थे, उन सारे बाजे बजाने वाले लोगों को इकट्ठा किया गया, सुगंधियों को, फूलों के को वहां पर लाया गया। लेकिन तथागत के शरीर के प्रति आदर, सत्कार व गौरव प्रदर्शित करते हुए तथा उसकी पूजा करते हुए नृत्यों द्वारा, गीतों द्वारा, बाजों द्वारा, फूल मालाओं द्वारा, सुगंधियों द्वारा तथा कपड़ों के चंदवे बनाते हुए उन पर लटकाने के लिए फूलों की मालाएं गूंथते हुए उन्होंने दूसरा दिन भी गुजार दिया। दूसरे दिन, अब एक दिन तो यह तय हुआ कि भाई अब कल करेंगे, लेकिन वो जब कल का दिन आया तो कल के दिन उन्हें रुई में और ऊन में लपेटते हुए फूल, गाना, नाचना, बजाना, इन सब कामों में दूसरा दिन भी बीत गया, उन्हें पता ही नहीं चला, और फूलों की मालाएं गूंथते हुए उन्होंने दूसरा दिन भी गुजार दिया। और इसी प्रकार तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन भी गुजर गया। तब सातवें दिन कुशीनारा के मल्लों ने सोचा, आज हम तथागत के शरीर को ले चलें, आज हम उनकी अंत्येष्टि कर लें। सात दिन तक उस पार्थिव पर यही काम चलता रहा कि उसे बार बार कपड़ों में लपेटता गया, लपेटते गए, लपेटा गया, लपेटा गया, और उसमें रुई, उसमें ऊन, उसमें फूल, उसमें गंध, ये सारी चीज़ों के साथ, और इसके साथ गीत और बाजा भी और नृत्य भी चलता रहा। यह पूरा प्रसंग बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं। फिर आगे, तदनंतर मल्लों ने आठ मुखियाओं ने जो आठ मुखिया थे, उन्होंने सिर से स्नान किया, नए वस्त्र पहने ताकि तथागत की अर्थी को कंधा दे सके। ऐसा नहीं कि ऐसे ही उठकर चल दिए, सिर से नहाया, नए वस्त्र पहने, और नए वस्त्र पहनकर तथागत की अर्थी को कंधा देने लगे, और वे तथागत के मुकुट बंधन स्थान पर लेके गए। आज भी वो मुकुट बंधन स्थान जो है, जहाँ तथागत का अंत्य संस्कार हुआ, वहाँ एक चैत्य भी बना हुआ है कुशीनगर में, जहाँ नगर के पूर्व की ओर मल्लों का चैत्य था तथा वहाँ तथागत के शरीर को रखकर उसे अग्निस्पर्श करा दिया गया, और कुछ समय बाद तथागत की नश्वर देह राख में परिणत हो गई। और इस तरह ये तथागत का अंतिम संस्कार हो, उनके पार्थिव का, ये प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होती है। अगला अध्याय शुरू होता है, बाबा साहेब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं इसी कड़ी में, लेकिन इस अध्याय से हम आपको जोड़ेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।